सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम के बारे में। दोस्तों गूगल क्रोम जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो बहुत ही स्लो ओपन होता है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और गूगल क्रोम को कैसे फास्ट करना है तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर गूगल क्रोम की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर रन कम्पेटिबिलिटी ट्रबल शूटर के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट हो रही है, तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर इसका प्रोसेस कम्प्लीट होने तक। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर टेस्ट द प्रोग्राम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है गूगल क्रोम ओपन हो गया है, तो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यस, सेव दिस सेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम बोलना है आपको। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इसको विंडोज़ को जो है क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको अपने गूगल क्रोम को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसकी हिस्ट्री के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर ब्राउजिंग डाटा जो है डिलीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लियर डाटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद जो है आपको कमेंड प्रॉम्प्ट जो है ओपन करना है। यहाँ पर राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर कमेंड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो गया, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है ipconfig। ओके, उसके बाद आपको जो है इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है। प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है एग्जिट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको जो है अपने गूगल क्रोम को फिर से और एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रिसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं इस गूगल क्रोम को जो है क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप अपने PC को जो है एक बार रिस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।